मॉर्निंग माई पीचर्स, व्हाट्स अप। टुडे इज अ संडे मॉर्निंग और आज का व्लॉग भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड व्लॉग होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेडिंग व्लॉग। टुडे इज संडे और मेरी फ्लाइट है ट्यूजडे को, तो मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। आई हैव टू डू माई नेल्स, आई हैव टू चेंज माई टो नेल पेंट एंड मेरी पैकिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है। मुझे थोड़ी सी लॉन्ड्री करनी है, मैं चाह रही हूँ वहाँ जाने से पहले, क्योंकि नॉर्थ में आई एम गोइंग टू नॉर्थ, माई होम टाउन इज पानीपत। माई कजन सिस्टर, माई फर्स्ट कजन, उसकी वेडिंग है। आई रियली विश कि मैं इस व्लॉग में थोड़ी यू नो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच डाल पाती, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस वेडिंग के लिए थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करके रखी थी और आउटफिट्स बनाए थे फ्रॉम स्क्रैच। लाइक दो सूट्स बनाए थे, मम्मा के दो सूट्स बनवाए थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई उसको, क्योंकि तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी या व्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो दैट्स दैट। नेल्स लगाएंगे, नेल पेंट चेंज करेंगे आज, और थोड़ी सी पैकिंग स्टार्ट करेंगे, लॉन्ड्री करेंगे, क्योंकि सिर्फ मंडे का दिन है मेरे पास पैकिंग करने के लिए। ट्यूजडे को तो सुबह मुझे निकलना ही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस व्लॉग। पता है मुझे क्या लग रहा है कि ये व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या कपड़े पहने, मैंने क्या शॉपिंग करी, और मैंने थोड़ी शॉपिंग ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि वहां पे विंटर्स हैं और यहाँ विंटर, यू नो, मैं एक कॉटन ड्रेस में खड़ी हूँ, तो आप जान सकते हो कि यहाँ ठंड नहीं है इतनी और वहाँ बहुत ठंड है। तो आगे के लिए जैसे थोड़े बहुत विंटर्स के कपड़े मैंने ले लिए हैं। इफ नीडेड मैं वहाँ जाके देखूंगी, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन का टाइम है वेडिंग के बीच में। मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, मैं क्या ज्वेलरी लेके जाने वाली हूँ यहाँ से, बिकॉज मम्मा हैज ऑल्सो आस्ड मी टू गेट सम ज्वेलरी फॉर हर। शी इज नॉट लाइक अ ज्वेलरी कलेक्टर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, उनको अगर चाहिए होता है तो वो खरीदती, कैसे होती है ना मम्माज, वैसी है वो भी। और शी हैज आस्ड मी कि अपनी थोड़ी सी ज्वेलरी उठा के ला, मेरे सूट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी एंड ऑल दैट। और जो कपड़े मैं पहन रही हूँ, कुछ मैं दिखा सकती हूँ, कुछ मैं नहीं दिखा सकती हूँ अभी फिलहाल, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या ज्वेलरी पैक कर रही हूँ, मैं क्या शूज पैक कर रही हूँ, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज वी वुमेन लव शूज, ज्वेलरी, क्लोथ्स, वी लव ऑल दैट। और आदि और मैं बहुत जल्दी सो गए थे कल रात, है ना आदि, है ना बेबी। अच्छा, डू यू वॉन्ट टू गो टू नानीज प्लेस? यस। And why do you want to go to Nani's place, Adu? Nani ghar. Nani ghar jana hai? Haan. Aur chabi se khelna hai? Haan. Give mama puchi. So my makeup brushes are due for washing. Toh maine kya kiya hai ki ek पिलो कवर में सारे मेकअप ब्रशेस डाल दिए हैं और मैंने उसको रबर बैंड से ऊपर सील कर दिया है। इसको अब मैं डेलिकेट के राउंड पे वॉश कर दूंगी। इतना इजी हो जाता है वॉशिंग मशीन में ब्रशेस क्लीन करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेकअप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और लोगों की तरह बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हाथ से धोने हो तो मेरे पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं और इनको वॉश करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वॉशिंग मशीन में अगर करूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। ओके गाइज, द राउंड हैज कम्प्लीटेड, आई हैव नॉट ओपनड इट येट, एंड लेट मी शो यू वट द ब्रशेज आर लुकिंग लाइक नाउ आफ्टर वॉशिंग, हाउ क्लीन दीज ब्रशेज कम आउट आफ्टर वॉशिंग ऑन द डेलिकेट राउंड। And this one especially, I know कि इसमें थोड़ा सा foundation रह गया है, लेकिन काफ़ी clean हो गया है guys, काफ़ी हालत ख़राब हो गई है, मुझे नए brushes की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी clean निकल के आते हैं brushes, बहुत effort नहीं करना पड़ता है। आई शेडो ब्रशेज़ दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो कितने क्लीन हो के आते हैं इसमें से ब्रशेज। मेरा काम बहुत आसान हो गया है जब से मैंने वॉशिंग मशीन में ब्रशेस क्लीन करना स्टार्ट किया है। अब बस मैं इनको धूप में रख दूंगी सो दैट दे ड्राई आउट क्विकली। वॉशिंग मशीन में धोने का एक और एडवांटेज ये है कि ये ब्रशेस ऑलमोस्ट सूखे हुए निकलते हैं, थोड़ा सा ही ड्राई आउट करना पड़ता है इनको धूप में रख के लेटर ऑन, लेकिन हैंड वॉशिंग में द ब्रशेज आर सो वेट, आई समटाइम्स इवन हैड टू कीप देम फॉर इवन 2 डेज। अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है इस बालकनी में, लाइक अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे धूप आने में, अराउंड 2 o'clock यहाँ पे धूप आएगी, बट बाय देन थोड़े से तो ये ड्राई आउट हो जाएंगे। ये ऑलरेडी काफ़ी ड्राई हैं, थोड़े से डैम्प हैं ये, और ये आई एम श्योर ये सूख जाएंगे आज शाम तक। बस मुझे थोड़ा सा किचन वाइंड अप करना है, डिश वॉशर में बर्तन हैं, लेट मी शो यू, डिश वॉशर में थोड़े से यूटेंसिल्स हैं जो मुझे लगाने हैं, और मुझे मिल्क बॉयल करना है, उसके बाद
वी आर गोइंग टू मार्केट. आदि के लिए एक दो चीजें चाहिए, जैसे थोड़े से इनर वेयर, वार्मर्स चाहिए उसके लिए वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा ठंड है गाइज. यहाँ के कपड़ों से तो वहां बिल्कुल नहीं चल पाएगा. आई एम ट्राइंग कि मुझे यहाँ के मार्केट में वार्मर मिल जाए, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसके लिए कौन सा जैकेट मंगाया है वहां जाने के लिए. अभी सिर्फ मैंने काम चलाओ कपड़े मंगा लिए हैं, मेरे पास बहुत सारे विंटर क्लोथ उसके लिए नहीं है. तो हाँ, अभी जस्ट इतना काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं. मम्मा इज मेकिंग अ वीडियो ऑफ यू. ओके, सो दिस इज द जैकेट आई हैव बॉट फॉर आदि. ये हॉपस्कॉच का जैकेट है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है. रीजन बीइंग, हॉपस्कॉच की डिलीवरीज यहाँ पे कभी कभी नहीं भी पहुंचती हैं. ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है, और ये जैकेट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था. इसमें और भी प्रिंट्स और शेड्स और कलर्स थे, लेकिन द वन दैट वी वर गेटिंग इन आदि साइज वॉज ओनली दिस वन, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. आदि, स्टैंड अप एंड शो योर जैकेट ओवर देयर. Cheese, baby. Yeah, you're looking nice. Yeah. Thank you. This is what I'm wearing for going out. बहुत ही normal सा, you know, local market है वो. तो कुछ भी fancy मैं wear नहीं कर रही हूँ. Shoes मुझे पहनने हैं. I'm wearing my wristwatch and my ring and some pearl earrings and that's it. And my Kiko Milano lipstick. And that's it, guys. Makeup नहीं कर रही हूँ क्योंकि skin की बहुत हालत खराब है. थोड़ा थोड़ा कहीं पे फ्लेकी ड्राइनेस है स्किन पे. सो आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप एट ऑल. वैसे भी वेडिंग में बैक टू बैक मेकअप होने वाला है. सो लेट्स जस्ट हेड आउट नाउ. गाइज, दिस इज द मंडे मॉर्निंग. आई एम सो सॉरी, मैं कल बिल्कुल लॉग इन नहीं कर पाई. मैं मार्केट से आने के बाद आई गॉट इन टू द लंच, एंड लंच बनाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर शाम को आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. बेसिकली सब वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ. जाने से पहले आई हैव पुट ऑन माई नेल्स. आई एम सो सॉरी, मैं क्लिपिंग्स भी नहीं डाल पाई अपने नेल्स लगाने की, बिकॉज आई वॉज स्पेंडिंग सम फैमिली टाइम. तो मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं करना चाह रही. अभी द सिचुएशन इज कि मेरे पास यहाँ पे हीप ऑफ क्लोथ्स है, एंड दैट्स आदि इन द बैकग्राउंड. वो वाले कपड़े मुझे संभाल के जाने हैं, ये वाले कपड़े मुझे पैक करने हैं, और बहुत सारा काम पड़ा हुआ है गाइज. फेस पे मेरे सूडो क्रेम लगाई है मैंने, क्योंकि थोड़े से एक्ने. हाँ बेटा, फेस पे मैंने सूडो क्रेम लगाया हुआ है. थोड़े से एक्ने मार्क्स हैं. आई एम होपिंग कि थोड़ा ठीक हो जाएगा जाने से पहले, और मैं थोड़ा सा मेकअप कर पाऊँ. सो दैट आई एम वेयरिंग माई वर्स्ट क्लोथ्स राइट नाउ, क्योंकि मुझे बाकी सब जो भी अच्छे कपड़े वो सब पैक करने हैं. तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मैं नेल्स आपको अभी डे लाइट में दिखाती हूँ. मैंने न्यूड नेल्स इसलिए चूज किए हैं क्योंकि हर ड्रेस के साथ चले जाते हैं. मेरे सारे ही कपड़े गोल्डन नहीं है. एक सूट मेरा गोटा पट्टी में सिल्वर एंड ग्रे है. तो वो बहुत प्रिटी सूट है गाइज, और वो बहुत हैवी सूट है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको आपको दिखाने के लिए. लेकिन वो मम्मा के पास है, मेरे पास नहीं है. मैं अपना मेजरमेंट दे के, फैब्रिक्स खरीद के, और उन सब फैब्रिक्स को डाई करा के, और मम्मा को पकड़ा के आ गई थी. एंड वी प्लान्ड इट दिस वे कि मैं मेजरमेंट दे देती हूँ टेलर को अपना, और वो बना के रखेंगे जब तक मैं जाऊंगी. सो या, मम्मा हैज दैट सूट. मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं एक बार मैं जरा कपड़ों का काम कर लूँ, देन आई विल शो यू द परफ्यूम्स दैट आई विल बी टेकिंग अलॉन्ग. क्योंकि मेरा पूरा प्लान है, मैं इस बार अपने ब्रदर के साथ आई विल डू अ वीडियो विद हिम वेयर ही विल रेट माई परफ्यूम्स, वट एवर परफ्यूम्स आई कुड टेक अलॉन्ग.
या सो बेसिकली दैट्स द प्लान. मैं परफ्यूम दिखाऊंगी आपको, मैं ज्वेलरी दिखाऊंगी मैं कौन कौन सी लेके जा रही हूँ, और मैं आपको मेकअप दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ. मेरे पास बहुत सारा मेकअप नहीं है गाइज, मैं सिर्फ जितना अपनी जरूरत का मेकअप होता है मैं सिर्फ उतना ही मेकअप लेती हूँ और रखती हूँ. मैं सीरियसली मैं एक्स्ट्रा मेकअप या एक ही कई तरह के ब्रॉन्जर्स या कई तरह के हाइलाइटर्स मैं, मेरी वो आदत नहीं है. मैं बहुत लिमिटेड मेकअप रखती हूँ, जितना सिर्फ मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं कोई मेकअप रिव्यूअर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मेकअप लुक्स क्रिएट करती हूँ. मुझे पता है आप लोग मेरे को पूछते रहते हो कि मैं क्रिएट करूं, लेकिन सीरियसली मेरे पास इतने मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं ये यूज कर रही हूं और आप लोग इसको ले लो. लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मेकअप क्या लेके जा रही हूं. आई नो आई एम लुकिंग लाइक क्रैप राइट नाउ, मेरे को बहुत सारा काम निपटाना है. मैं सब करने के बाद हा आई बी बैक टू यू गाइज. सो दीज आर द नेल्स दैट आई हैव डन एंड दे आर लुकिंग सुपर प्रिटी इन द डे लाइट एंड इन सनलाइट. आई हैव यूज्ड होलोग्राफिक glitter nail paint on top of a nude nail paint from Nykaa, and that's it guys. I want to keep it nude because you see the holograph, yeah, that one I'm talking about. This time hai 4:30 and I have sorted out the makeup ki mujhe kya leke jana hai aur kya nahi. bahut sara makeup mere paas nahi hai, main thoda so gayi thi isliye thoda sa down feel kar rahi hu aur bahut gehri neend aa gayi thi abhi mujhe to. let me show you the makeup that I'm going to take along. तो यहाँ पे कुछ लिप लाइनर्स हैं जो कि स्विस ब्यूटी के हैं. आप इसमें या तो ये फ्रूट पंच वाला शेड थोड़ा सा डिफरेंट देखोगे, या फिर सारे ब्राउन्स हैं, कोई चेरी ब्राउन है, कोई डार्क चॉकलेट है, सो समथिंग इन द ब्राउन फैमिली ओनली. क्योंकि मैं ज़्यादा करके न्यूड लिपस्टिक्स या ब्राउन लिप्स ही करती हूँ. एक काजल पेंसिल है, देन आई हैव द लैश पैराडाइज मस्कारा और एट्यूड हाउस की आईब्राउ पेंसिल. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मम्मा के पास ही है, बट यू नो मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अगर हम दोनों सेम टाइम पे तैयार हो रहे हैं तो मैं यू नो वी कांट यू नो जस्ट शेयर द थिंग्स एट दैट टाइम. मैं ये फाउंडेशन लेके जा रही हूँ. मैं जनरली इसी को यूज करती हूँ, सुपर स्टे के फाउंडेशन को, लेकिन मुझे ये भी बहुत पसंद है. लाइक बहुत एक नेचुरल, जब थोड़ा सा कवरेज चाहिए हो और बहुत ज्यादा कवरेज नहीं करना है, बहुत स्किन लाइक दिखाना है, तो उसके लिए मुझे ये वाला फाउंडेशन भी बहुत पसंद है. बट क्योंकि ये मम्मा के पास है और अगर मुझे लगा कि मुझे वाकई इसकी बहुत जरूरत है तो मैं तब इसको वहां पे मम्मा से ही लेके यूज कर लूंगी. सो दीज आर द थिंग्स जो मैं नहीं लेके जा रही हूं. देन आई, ये अभी 50-50 है, मुझे नहीं पता मैं लेके जाऊंगी कि नहीं, बट दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक, विच इज द फिट मी ड्यूई स्मूथ प्राइमर. ये मैं डेफिनेटली लेके जाऊंगी. ये दो ब्लशेज मैं लेके जाऊंगी. ये स्विस ब्यूटी का बेक्ड ब्लश है पिंक कलर में, और ये पीच ब्लश है लॉरियल का. मुझे ये बहुत पसंद है. अगर मैं न्यूड ब्राउन लुक्स करती हूँ तो उसके साथ ही ब्लश बहुत अच्छा लगता है. मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ इट इज ऑन द इनसाइड. मेरी स्किन टोन पे ये ठीक ही जाता है. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा शो होता है, लेकिन ये काफी सुंदर दिखता है और न्यूड लुक्स में बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा सा मेरे को हैवी हैंडेड जाना पड़ता है इस पे, बट आई डोंट माइंड इट. देन आई एम टेकिंग अ मेकअप सेटिंग स्प्रे अलॉन्ग विद मी, विच इज द रेवोल्यूशन स्पोर्ट फिक्स प्लस. मेरी सारी ही मेकअप प्रोडक्ट्स पे, मतलब मेरा जो बैग है ना ये वाला, इसमें एक हाइलाइटर टूट के बिखर गया था, इसलिए सारी चीजें आपको शिमरी दिखाई देंगी. एंड देन आई हैव सम लिपस्टिक्स ओवर हियर. आई एम गोइंग टू टेक दिस टच ऑफ स्पाइस फ्रॉम मेबेलिन. तो ये थोड़ा लॉरियल रूट सिग्नेचर की दो शेड्स, विच इज आई एक्सप्लोर एंड दिस पिंक कलर आई चूज. तो मैंने आपको बताया ना, ब्राउन शेड्स मेरी स्किन पे बहुत अच्छे जाते हैं. तो एनीथिंग दैट हैज अ मिक्स ऑफ ब्राउन, लाइक दिस पिंक हैज अ स्लाइट अंडरटोन ऑफ ब्राउन, तो ये मेरे पे बहुत अच्छा जाएगा. तो मैं ये लेके जाऊंगी. एंड देन द एल ए प्रो गर्ल कंसीलर लेके जाऊंगी. ऑल दो मम्मा के पास है, बट स्टिल आई विल कैरी माई ओन. एंड देन दिस ब्यूटिफुल शेड, ये मेरा ऑलमोस्ट लाइक सिग्नेचर लिपस्टिक टाइप का है. अगर मैं मेकअप नहीं भी लगा रही हूँ या बहुत हल्का मेकअप लगा रही हूँ तो मैं इसको यूज करती हूँ. एंड दिस इज कॉल्ड एज सोहो न्यूड्स. पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर रहा है. या सो इट्स कॉल्ड एज सोहो न्यूड्स 04, जो ये ओपेक वाले कैप्स में आया था. देन अ लिप बाम एंड केलाइसिस का आईलैश ग्लू, एक आईलाइनर, एंड दीज आर द नेल पेंट्स. ये दो लिपस्टिक्स मैं मम्मा को देने वाली हूँ. ये नायका की एक वाइन कलर की लिपस्टिक है, विकेड वाइन करके. ये बहुत डार्क है मेरे लिए. एंड देन अगेन मेरे पे रेड, मरून
और कोई भी रेड टोन के शेड्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ उनको. आपने देखा होगा मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाए हैं अपने वीडियोस में भी. एंड देन दिस ब्रिक रेड सॉर्ट ऑफ कलर फ्रॉम लॉरियल रूज सिग्नेचर लिपस्टिक्स, ये भी मैं मम्मा को देने वाली हूँ. देन अगेन ये वाला नेल पेंट, क्योंकि ये अगेन एक बहुत ही पाउडरी मरून टाइप का शेड है. मैंने बहुत उम्मीद से मंगाया था कि मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा, बट सैडली इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड ऑन मी, सो आई एम गोना गिव इट टू मम्मा एज वेल. एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट इज देयर ऑन माई नेल्स राइट नाउ, सो आई एम कैरिंग इट जस्ट इन केस अगर मेरे नेल्स पॉप ऑफ हो जाते हैं या मुझे और नए लगाने पड़ते हैं. सो इन दैट केस मैं ये नेल पेंट्स लेके जा रही हूँ. मैंने नेल्स और ग्लू ऑलरेडी मम्मा के यहाँ पे डिलीवर करा दिया है. कमिंग ऑन टू द पैलेट्स, मैं अपना जैकलिन हिल पैलेट लेके जाऊंगी. इसके बिना तो आई जस्ट के नॉट डू गाइज. इसमें कुछ शेड्स, मतलब इट्स अ होलसम पैलेट इन माई ओपिनियन, और इसके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ. आई ऑलवेज टेक दिस अलॉन्ग. द नेक्स्ट पैलेट दैट आई एम गोइंग टू टेक इज वी केयर योर फेवर्स. आई एम अ फैन ऑफ फोकलोर फॉर्मूला ऑफ आई शेडोज. ये वाले टाइम पे जब ये वाले पैलेट्स आए थे, फॉर्मूला अच्छा था, मतलब ठीक था पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. बट देन व्हेन दिस पैलेट केम एंड द फॉर्मूला एट प्रेजेंट फ्रॉम फोकलोर इज सो अमेजिंग. सो दिस पैलेट, द सनराइज पैलेट, इज अगेन इट इज माई एवरी डे पैलेट गाइज. सो द सनराइज पैलेट इज माई एवरी डे पैलेट. इसमें बहुत सारे थोड़े शिमरी, थोड़े मेटालिक कलर्स हैं. तो ये वाला जैसे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, इसमें दो प्रेस्ड ग्लिटर्स भी हैं. ये थोड़े से मेटालिक हैं, प्रेस्ड ग्लिटर्स जैसे लग रहे होंगे लेकिन ये मेटालिक्स हैं. और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे बहुत पसंद है विद व्हेन आई एम डूइंग अ न्यूड आई लुक. एंड दिस कलर आई यूज विद दिस लिपस्टिक. मुझे बहुत ही पसंद आता है ये वाला शेड. ओके, सो ये सिर्फ ये तीन आई शेडो पैलेट्स हैं. मैं इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाने वाली हूँ. मेरे पास और भी आई शेडो पैलेट्स हैं, वहाँ पे आप देख रहे होगे मेरे पास दो रेवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट्स भी हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम, क्योंकि मुझे रेवोल्यूशन का जेन्युइनली फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं है. बहुत ही पैची और बहुत ही पाउडरी सा वो दिखाई देता है आईज पे. सेम इज द केस विद ब्यूटी ग्लेज्ड. ब्यूटी ग्लेज्ड भी मैं कहूंगी रेवोल्यूशन से बेटर है फॉर्मूला, लेकिन रेवोल्यूशन तो आई डोंट लाइक इट एट ऑल. एंड देन फाइनली आई एम गोइंग टू टेक दिस पैलेट. लेट मी ओपन इट. दिस वॉज द रेवोल्यूशन पैलेट इन कोलेबोरेशन विद रॉक्सेरस, एंड दिस इज द रॉक्सी कॉन्टोर एंड हाईलाइट पैलेट. एंड आई रियली लाइक दिस गाइज. आई रियली विश कि मेरे पास, क्योंकि मुझे इतनी कॉन्टोरिंग हाईलाइटिंग मैं करती नहीं हूँ रियल लाइफ में, मुझे थोड़ा अजीब लगता है हाईलाइट करना, तो मेरा जो काम है ना वो बेक्ड ब्लश से चल जाता है, या इतना इसका जो हाईलाइट आता है ना मेरा उसी से काम चल जाता है. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. और आई थिंक मैं ये भी नहीं लेके जाऊंगी. अब मैंने मन बना लिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगी उसको, बट ये सिर्फ मुझे इस शेड की वजह से लेके जाना पड़ रहा है, थोड़ा स्किन को ब्रॉन्ज करने के लिए एंड ऑल, क्योंकि बहुत फ्लैट दिखता है अदरवाइज फेस. तो ये मैं डेफिनेटली, थोड़े और पैसे आएंगे ना मेरे पास तो मैं डेफिनेटली एक वो बटर ब्रॉन्जर लेने वाली हूँ फिजिशियंस फॉर्मूला का, जिससे कि मुझे ये पूरा पैलेट कैरी करके नहीं जाना पड़े. सो दैट्स दैट. दिस इज ऑल द मेकअप इंक्लूडिंग नेल्स दैट आई एम गोइंग टू कैरी. वो वाला मेकअप मैं नहीं लेके जा रही हूँ, वो थोड़े मेरे एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं, एक न्यूड लिपस्टिक है इसलिए नहीं लेके जा रही, क्योंकि मेरे पास एक ये ब्राउन है और एक ये न्यूड लिपस्टिक यहाँ पे है. तो मुझे एक बुलेट न्यूड लिपस्टिक की जरूरत नहीं है. ये मिस क्लेयर का बहुत अच्छा शेड है, इसका नंबर है 02. आई थिंक अब मिलता नहीं है. स्विस ब्यूटी में ये लिप बटर क्रीम्स आ गई हैं, तो आई होप कि उसमें मिल जाए. मैं लिप ग्लॉसेस इसलिए नहीं, सी आई हैव दीज टू लिप ग्लॉसेस, मैं इसीलिए नहीं लेके जा रही क्योंकि ये वाला तो मिस क्लेयर वाला बहुत ज्यादा इस पे बाल चिपक जाते हैं. एंड दिस वन आई हैव रन आउट ऑफ इट. ये शायद दिख रहा होगा ऐसे कि बहुत सारा है इसमें, लेकिन इतना है नहीं. तो आई वॉज गोइंग थ्रू सम लिप ग्लॉसेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अमेजोन पे मैंने रिनी के लिप ग्लॉसेस देखे. एंड उसमें मैंने एक थोड़ा ब्राउनिश सा और थोड़ा सा पीची ब्राउनी शेड मैंने एक लिप ग्लॉस का उसमें ऑर्डर कर दिया है, और वो मम्मा के पास डिलीवर हो गया है. मेरी कोशिश ये रहती है जब मैं यहाँ से चलूँ तो मैं कम से कम सामान लेके चलूँ, जिससे कि मेरा वेट नहीं बढ़े. सो दिस इज ऑल द मेकअप आई एम गोइंग टू टेक अलॉन्ग विद मी. ये हो गया मेरा मेकअप रेडी ले जाने के लिए. अब आई विल मूव ऑन टू द ज्वेलरी.
मैंने मेकअप ब्रशेस सब इस पाउच में पैक कर दिए हैं, मैं इनको वॉश करके रखती हूँ कि मुझे ट्रैवल करना पड़े तो मैंने यूज कर लूँ. अगेन आई जस्ट थ्रो देम इन द वॉशिंग मशीन एंड आई क्लीन देम ऑफ. एंड ये छोटा सा पाउच है जिसमें कि मैं थोड़े से इयर रिंग्स वगैरह लेके चली जाऊंगी अपने आर्टिफिशियल. शाम होती जा रही है और मैं बहुत लेट होती जा रही हूँ. सो दीज आर द बैंगल्स आई एम ट्रैवलिंग विद. ये बहुत ही अच्छी मॉडर्नाइज्ड सी जंक ज्वेलरी टाइप की बैंगल्स हैं. ये मैंने वेस्ट साइड से ली थी. देन आई हैव दिस सेट ऑफ बैंगल्स. ये एक्चुअली बैंगल्स के बीच में लगाने के लिए काम आती हैं, लेकिन आई फाइंड देम वेरी क्लासी टू बी वेयरिंग ऑन देयर ओन. और मैं बहुत मतलब मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना, मैंने आज तक इन बैंगल्स के बिना ट्रैवल नहीं किया है. एंड आई ऑलवेज ऑलवेज कैरी देम whenever I know that I have to wear traditional. Then I have these stunning looking karas right here, and these are my mom's karas. Back in the days मैं बता रही हूँ आपको, शायद इन कड़ों को खरीदे हुए भी 10 साल हो चुके हैं. ये कड़े 10 साल से हम लोगों के पास हैं. एक पैर मम्मा के पास है, एक मेरे पास है, लेकिन ये इतना stunning है ना guys कि ऐसे मुझे दोबारा कभी life में नहीं मिले हैं. मैंने बहुत ढूंढा है कि ऐसे कड़े मुझे दोबारा मिल जाएं, लेकिन नहीं मिले हैं. अगर आप लोगों को कुछ पता है कि मैं कहाँ से ऐसे और कड़े ले सकती हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और जो मेरा सिल्वर सूट है, मैं उसके साथ इसको लेके जा रही हूँ. बहुत सुंदर काम है इन कड़ों पे, बहुत सुंदर. और ये बहुत स्टनिंग लगते हैं क्योंकि गोलाई में है, तो ये पहनने के बाद बहुत स्टनिंग लगते हैं. देन दीज आर द बैंगल्स दैट आई एम टेकिंग, क्योंकि इस कलर का एक सूट है मेरे पास, मैंने उनके साथ ये बैंगल्स ले लिए थे. ये भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सटल हैं, मेटल के बैंगल्स हैं ये, मोर लाइक कड़ा टाइप्स बैंगल्स भी नहीं कहूंगी मैं इनको. एंड देन दीज सेट ऑफ इयर रिंग्स, अगर इफ यू वंडरिंग ये वाले मैंने कहाँ से लिए हैं, तो देर इज अ पेज कॉल्ड इप्सिता जूल्स ऑन इंस्टाग्राम, शी सेंट मी दीज. एंड देन दीज इयर रिंग्स, मेरी ज्यादातर ज्वेलरी ना वैसे पानीपत के लोकल मार्केट से ली हुई है, तो वहां पे जो एक शॉप है जो मेरी पेट शॉप है जहां पे मैं जाती हूँ, मैं वहीं से लेती हूँ. तो ये झुमकियां मैंने वहीं से ली हैं. एंड दिस गोज इन हियर. देन आई एम टेकिंग अलॉन्ग दिस सेट, ये मेरे गाउन के साथ जो मेन फंक्शन पे मैं गाउन पहनूंगी उसके साथ मैं इसको पहनने वाली हूँ. इट हैज़ वेरी स्टनिंग चांद वालीज विद इट. और द ओनली रीजन फॉर टेकिंग दिस एंड वेयरिंग दिस इज दैट कि उस गाउन में जो वर्क है वो एग्जैक्टली ऐसा है, तो ये बहुत ज्यादा उससे मैच करता है, इसीलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ. देन देयर इज दिस सेट. ये सेट आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये मैंने उस टाइम पे खरीदा था जब ये क्राफ्ट सिर्फ क्राफ्ट्स विला पे मिलता था, अमेजोन वगैरह पे नहीं मिलता था. बहुत साल पहले की बात है जब मैंने इसको लिया था. अब ये इतना कॉमन हो चुका है ना मेरे लेने के बाद कि एवरी थर्ड पर्सन इज सेलिंग इट एंड एवरी थर्ड पर्सन हैज दिस सेट. लेकिन मम्मा को शायद ये सेट चाहिए होगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट मम्मा माइट रिक्वायर इट, इसलिए आई एम टेकिंग दिस अलोंग. देन दीज रैंडम छोटे छोटे सेट्स हैं, ये मैंने मतलब पैक ही किए हुए हैं. ये थोड़ा टेम्पल ज्वेलरी जैसा लेकिन लाइट साइड पे है क्योंकि इसके नेक का बहुत ही लाइट बैंड है. एंड देन दिस ज्वेलरी, तो मैं ये सब लेके जा रही हूँ. मुझे नहीं पता ये सब, ये मेजरली मैं मम्मा के लिए लेके जा रही हूँ, मेरा इनमें कुछ नहीं है. मेरा सेट ये वाला है, ये वाली ज्वेलरी है और ये बैंगल्स हैं, एंड दैट्स इट. और मैंने जो आपको थोड़ी जो लाइट वाली ज्वेलरी दिखाई, क्योंकि मैं बहुत चंकी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ या बहुत ज्यादा ज्वेलरी मैं कैरी नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज कीप इट लाइट, आई कीप इट क्लासी, एंड दैट्स इट. इनको पैक करते हैं गाइज, देन वी विल मूव ऑन टू परफ्यूम्स. ओके गाइज, सो दीज आर द परफ्यूम्स आई एम टेकिंग इन टू द स्टार्स. मैंने रिसेंटली मंगाया है, कल परसों ही डिलीवर हुआ था. और ये बाकारा रूज 540 का स्पॉट एंड ड्यूप है. मैंने वनिला बी न्योल भी मंगाया था, और क्योंकि मेरे पास शिमरी वाला था तो मैंने नॉन शिमरी फॉर्मूला मंगाया. आई एम सो मच लाइकिंग द पैकेजिंग ऑन दिस. देन मैं पिट क्रीम लेके जा रही हूँ, ऑब्वियसली ये तो मुझे चाहिए ही होगा. दिस परफ्यूम लानुई पिंडोरा, आई टोल्ड यू गाइज आई एम गोइंग टू गिव दिस टू मम्मा, शी रियली लाइक्स द पैचुली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेग्रेंसेस. एंड देन ये मैं अपने पर्स में डालने वाली हूँ, कनेल का सिल्कन मस्क. मैं हमेशा छोटे परफ्यूम्स अपने पर्स में डाल लेती हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अलॉन्ग एबनी वुड, दिस ऑल्सो इज गोइंग इन माई बैग. देन दिस आई एम टेकिंग फॉर माई ब्रदर, वाइब्रेंट लेदर. मैं उसको मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैसा है. इफ ही एंड्स अप लाइकिंग इट ही विल ऑर्डर अ फुल बॉटल. एंड देन सिर्फ दो परफ्यूम लेके जा रही हूँ गाइज, इतना सारा सामान हो गया है. मैं सीरियसली ये भी मुझे ज्यादा ही लग रहा है अब इस पॉइंट पे. सो आई एम टेकिंग अलॉन्ग एलियन एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अलॉन्ग प्योर एक्सेस.
मैं और भी कोई विंटर परफ्यूम लेके जा सकती थी साथ में, लेकिन अभी सीरियसली मेरे पास ना मुझे नहीं लगता कि जगह बचने वाली है इतने सारे सामान के बाद. सो दीज आर द थ्री हील्स दैट आई एम टेकिंग अलोंग अलोंग विद द फुटवेयर्स दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. दीज फॉर द गोटा पट्टी वाला सिल्वर एंड ग्रे सूट. दीज फॉर द मेन ओकेजन जिसमें कि मैं गाउन पहन रही हूँ वाइन कलर का एंड आई नीड गोल्डन हील्स फॉर दैट. एंड दिस फॉर एनीथिंग रैंडम एंड दिस इज अ लिटिल कम्फर्टेबल. ये बहुत कम्फर्टेबल और अच्छे हील्स हैं. ये भी मैंने वेस्ट साइड से लिए थे. दीज आर फ्रॉम लेमन एंड पेपर एंड दीज वंस ये बहुत रैंडम थे. ये मैंने किसी लोकल शॉप से लिए थे. मैंने ये हील्स पहले मिंत्रा पे देखे थे एंड आई फाउंड देम सो क्लासी येट सो स्टाइलिश एंड आई जस्ट वॉन्टेड अ ब्लॉक हील विच इज इन दिस पैटर्न. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई एंड फाइंड इट ऑन अमेजोन, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है. एंड लकीली ट्रफल कलेक्शन के सारे शूज सारे हील्स वहां पे मिल रहे हैं. बट आई ट्राइड इट, आई वॉकड इन इट फॉर अराउंड हाफ एन आवर इन द हाउस और मे बी 15 मिनट्स. एंड द प्रॉब्लम इज इसकी जो ये वाली चीज है ना ये बहुत हाई है और ये एक्चुअली मुझे बग कर रही है और ये काफी जैसे स्किन पे रगड़ता है ना ये वैसे हो रहा है और ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है. एंड द अदर थिंग इज ये वाले फुट का इतना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इसमें ये यहाँ से मेरी स्किन में लिटरली बहुत ज़्यादा डिग कर रहा है और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इनको पहन के. दे आर लुकिंग लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर लुकिंग वेरी प्रिटी और शायद मेरे फुट टाइप के लिए ये ठीक नहीं है तो मैं आई एम पुटिंग देम इन द रिटर्न. I really wanted these to work out. मुझे बहुत पसंद आए थे. I wanted to have a pair of heels that looks like this. लेकिन somehow it's not working for me. और मुझे ये वापस करना पड़ेगा. I'm just trying to show you the details on this because they are very pretty and they were in the price point of 1730 rupees, which is not too much for a good quality heel. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे थे बट ये मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे हैं पहनने के बाद. मैं इनको पहन के अच्छे से चल नहीं पा रही हूँ. यू नो एक होता है कि डिसकंफर्ट, एक होता है कि आप चल ही नहीं पाते हो, आपका पैर इतना मूव नहीं करता और बहुत ही फ्लैट जैसा फ्लोर पे पड़ता है तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही है. इस वजह से मुझे इनको रिटर्न करना पड़ेगा. इज योर एप्पल, थैंक यू. ओके, टॉयलेटरी और ग्रूमिंग जो मेरे ग्रूमिंग टूल्स हैं बहुत बेसिक हैं. मैं एक एक्सटेंजो का मास्क लेके जा रही हूँ क्योंकि शैम्पू मुझे मम्मा के यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है. मुझे कभी ये टेंशन नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं लेके गई तो क्या होगा. रिच कोकोआ बटर लेके जा रही हूँ. आई थिंक ये मुझे रीऑर्डर करना पड़ेगा जाने के बाद. देन निविया सॉफ्ट एंड दिस वन इज द पीच वन आई गेस. यस, सो आई लाइक दिस फॉर माई फेस. नाउ आई हैव सम ग्रूमिंग टूल्स हियर. मैं अपना शेवर लेके जा रही हूँ, फेस रेजर लेके जा रही हूँ और एक बिकिनी ट्रिमर भी लेके जा रही हूँ. ये वीट का है. ऑनेस्टली मैंने ब्राउन का यूज किया है पास्ट में लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज कि ये वीडियो इतना लंबा होने वाला है कि मुझे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा. तो ये इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है, यू कैन गो लाइट हैंडेड ऑन दिस. ये आपके बाल पकड़ता या खींचता नहीं है प्राइवेट पार्ट्स में. और मैं हाईली सजेस्ट करूंगी अगर आप ब्राउन कंसिडर कर रहे हो तो उसकी जगह आप वीट वाला लो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन के दो हैं और मुझे वो दोनों ही पसंद नहीं है. आई लाइक दिस अ लॉट. देन दिस सनस्क्रीन आई एम गोइंग टू गिव टू माई मॉम क्योंकि ये मुझे सूट नहीं आ रहा है. बैक इन द डेज मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद था और ये इट यूज टू वर्क लाइक मैजिक फॉर मी. नॉट दैट आई एम सेइंग कि ये कुछ बहुत बड़ा चेंज ला देता था स्किन में लेकिन ग्रेजुअली ये स्किन को क्लियर आउट कर देता था, पिगमेंटेशन कम कर देता था. लेकिन इस बार जब मैंने इसको मंगाया है तो इसने लिटरली मेरी स्किन पे एलर्जी कर दी और मुझे खुजली हो रही है. ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं आ रहा है. आई डोंट नो द रीजन. शायद मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन भी किया है बीच में और वो सब किया उसकी वजह से. बट वट सूट्स मी राइट नाउ इज दिस फोटो स्टेबल वाला. ये एक्चुअली अंकुर का है और उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको सजेस्ट किया था. बट आई डू नॉट माइंड यूजिंग दिस. मैंने इसको ट्राई किया एक दो बार और मुझे ये बहुत पसंद आया. सो आई एम टेकिंग दिस अलॉन्ग एंड दिस आई विल गिव टू मम्मा. सो दिस इज दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू पैक इन दिस किट. एंड आई थिंक किट्स बनाने का काम अब खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कपड़े पैक करने का काम रह जाएगा. और वो मैं तब कर पाऊंगी जब अंकुर आएंगे क्योंकि जो हमारी ट्रॉली है वो ऊपर रखी है और वो मुझे वहां से उतरवानी पड़ेगी. देन ओनली आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट.